विद्युत उपभोक्ता को बिजली बिल में हो रही दिक्कतों में पारदर्शिता लाने और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए गुरुवार को गोरखपुर विकास प्राधिकरण सभागार में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं निदेशक वाणिज्य ओपी दीक्षित की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रबंध निदेशक ने मीटर रीडरों और अन्य विद्युत कर्मियों को विद्युत उपभोक्ताओं के साथ बिजली के बिल में पारदर्शिता लाने के लिए मंत्र दिए। कार्यशाला में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के चीफ डायरेक्टर एस के वर्मा, मुख्य अभियंता देवेंद्र सिंह सहित जोन के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मैसेज भी है और उसके बाद में थोड़ा सा चर्चा भी करनी पड़ेगी। बताएंगे आप बिल्कुल क्या कार क्या है, दायित्व क्या है, क्या दायित्व आपको जो गिफ्ट किया गया है, किस काम के लिए किया गया, क्या आपकी ड्यूटी है? हमारी ड्यूटी है सर, अपने मीटर रीडर पर टेस्ट करना और उनकी बर्थडे बेसिस में मॉनिटरिंग करना। वो अपने हमारे अच्छे कार्य टीम से कर रहे हैं आप और इस गाँव में कंप्लेन करना है। क्या गया है अप्रैल महीने में क्रॉस चेक किया गया जिनको आप उठाए मीटर रीडिंग की जो सत्यता थी वो सही थी, उनमें से कितने मीटर रीडिंग की सत्यता इसमें गलत निकली? मीटर रीडिंग इसमें क्या एक्शन लिया सर? अप्रैल में हमने 25 चेक किए पूरे अप्रैल में। आप पूरे अप्रैल थोड़ा कर रहे सभी शक्ति कितना जीत निकले सही अच्छा से जी और हेलो आप शांत रह जाओ थोड़ा विभाग को राजस्व संबंधित अन्य जो भी काम है वो सुचारू रूप से हो इसके लिए लगा कि नहीं प्रायोरिटी पॉइंट यही है जहाँ से ये करना चाहिए। तो हमें इसके ये सब प्राप्त करने के लिए क्या नोडल ऑफिसर बनना चाहिए? सर नोडल ऑफिसर बनना चाहिए लेकिन सर उसमें क्या करना चाहिए नोडल सर? करना ये चाहिए कि उसमें सर लाइन मेंटेनेंस से लेकर के जो हमारी बिल संबंधित आईडीएफसी जो भी है, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर सबसे पहले वो सविशेषण पे ही आता है। लेकिन सर ये हम बेहतर कर पाएंगे, लेकिन इसमें सर दिक्कतें भी आ रही हैं, व्यवस्थाएं सर है नहीं उस हिसाब से। सर जैसे लाइन मेंटेनेंस की अगर बात करें सर, अगर कोई भी लाइन संबंधी अगर कोई दुर्घटना या कुछ भी होता है सर, कनेक्शन पे अगर हम आ जाए तो सर कनेक्शन में ये है कि अगर हम अपने रजिस्टर में रजिस्टर करते हैं कंज्यूमर हमारे पास आए, हम उनका फॉर्म लिए कलेक्ट करके अपने रजिस्टर में अपलोड कर लिए, लेकिन सर दिक्कत ये है कि मीटर समय से मिल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से हम कनेक्शन समय से रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा रजिस्टर जो मेंटेन हो रहा है तो सब इसमें गैपिंग हो रही है। सर ये कहा जाता है कि कम से कम सर 7 working days मतलब जिस दिन आ रहे हैं कि मतलब, और सर ये होता है क्योंकि बिजली घर जाते हैं सर, एसडीओ साहब के पास 5 से 7 बिजली घर है तो सर वो यहाँ से डिटेल जब वहाँ जाती है तो ये होता है कि कैंप का डेट निर्धारित है सर, कि कैंप का डेट सब स्टेशन वाइज कि इस डे को कैंप लगता है, तो उस दिन ही जितनी भी बिलें हमारी रहती हैं सब उसी दिन निर्धारित हो जाती हैं और कंज्यूमर को पता चल जाता है। जब आपके पास कोई आता है कंज्यूमर नहीं आता है, हम ही आते हैं या फिर कोई भी अधिकारी आते हैं, तो क्या फील है आपको? सब पता है कि इस सब स्टेशन पे इतने कंज्यूमर हैं मेरे, इतने कंज्यूमर डिफॉल्टर हैं, इतने कंज्यूमर के अगेंस्ट में चोरी का केस बुक किया हुआ है, इतने कनेक्शन आए थे इस महीने, इतने पेंडिंग हैं, इतने अभी लग चुके हैं, इतने बिजली मीटर के केस आए थे, मान लो नहीं पूछ रहा था, आपको सारी जानकारी में अवेलेबल है आज की डेट में? बिल्कुल सर, जब से सर रजिस्टर आया हुआ है तब से सर मेंटेन हो रहा है तो सर जानकारी है। मैंने जितने सब स्टेशन देखे, मैंने देखे 32 से 37 सब स्टेशन देखे हैं, 37 मुझे कहीं भी मिला ये तो बता पाए कितने बिल आए थे इस महीने, कितने कनेक्शन आए थे, मुझे कुछ चीजें बता। एक्चुअली सर वो इसलिए है कि पहले सर रजिस्टर सर फॉर्मेट में नहीं था। अच्छा। जब फॉर्मेट में नहीं था तो सर हम लोगों को अपने हिसाब से जो हमें समझ में आया, जैसे उसमें सर
कंप्लेंट रजिस्टर है और शटडाउन रजिस्टर है, मतलब जो सर प्रॉपरली जो मेन रजिस्टर सर जो यूज होते थे वो सर हम खुद ही फॉर्मेट क्रिएट करते थे सर होता था, अब ये फॉर्मेट में सर आ गया है तो अब मेंटेन करना सर शुरू हुआ है। अच्छा, के लिए स्पेशली हम बात कर रहे हैं, तो आपको जितने भी नोडल ऑफिसर्स हैं रजिस्टर करने का नहीं है तो एक तो बिल भी रजिस्टर होना चाहिए जो कि नहीं है, सब नहीं है, एक रिवर्स रजिस्टर होना चाहिए प्रॉपर कॉलम कब तक चलाया कब उसको लगा और क्या, एक हमारा जो एक्सेप्शन रजिस्टर होना चाहिए जहाँ कितने एक्सेप्शन आए और कितने एक्सेप्शन अटेंड हुए और कितने बैलेंस बचे हुए ताकि सब स्टेशन से ये सब संबंधित हो सके, एक अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए मीटर रीडर्स का कि मीटर रीडर आए अटेंडेंस लगाए, क्योंकि आपका मीटर रीडर आपका सर्वे कर्मचारी आपके साथ बन गया है वो, आप नोडल ऑफिसर आपको जे क्यों नहीं कहा हमने, नोडल नाम क्यों दिया, नोडल का मतलब ये है कि आप एक तरह से पूरे सब स्टेशन के इंचार्ज हैं, इसका मतलब नोडल और तो मतलब नहीं इसका, और अगर पूरे इंचार्ज हैं तो आपको पावर भी देनी पड़ेगी, तो पावर देने के लिए आप इतनी पावर है कि अगर आपको आपका इंटरेक्शन डायरेक्ट एमडी से भी हो सकता है, अगर एमडी साहब से बात करें या डायरेक्टर से बात करें चीफ से बात करें डायरेक्ट कर सकते हैं, अथॉरिटी आपको है क्योंकि तो आपसे ही पूछा जाएगा अल्टीमेट, माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी या कोई भी हमारे उच्च अधिकारी आते हैं सीधा आपके पास इंस्ट्रक्ट करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा जो सब स्टेशन से संबंधित है, इतने निविदा कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह मिल रही है नहीं मिल रही है, इतने मीटर रीडर्स हैं हम मीटर रीडर कितना मीटर रीडिंग लाता है, मीटर रीडर के नाम क्या है, इनके सारे डिस्प्ले करो सारे, अच्छा आपके कनेक्शन इस महीने कितने आए, कितने निपटारा हुआ, कितने कंज्यूमर बिल डिविजन के लिए आए, कितना निपटारा हुआ, आपके यहाँ डिफॉल्टर कितने हैं, इस महीने कितने डिफॉल्टर आपने अटेंड कर लिए, आपके पास कितने आपके ये चोरी केस बुक हुए, कितने असेसमेंट हुए, कितने बकाया हैं असेसमेंट के लिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको और ये आपके पास सारे नोडल ऑफिसर होना चाहिए, आज की मीटिंग 80% नोडल ऑफिसर और बिल्डिंग सुपरवाइजर के फ्री है, 20% में क्योंकि इसलिए हमने नाम वर्कशॉप लिया हुआ है इसका, इसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो चीज़ नहीं, जैसे मैंने दो चार सुपरवाइजर पूछा कि आपने महीने में चेक किया सुपरवाइजर ने क्रॉस रीडिंग चेक की, उन्होंने कहा हमने चेक नहीं करी, बेसिकली तो उनके एक्शन टू भी चेक करेंगे इस टाइम क्योंकि इंस्ट्रक्शन पहले से है, आप महीने पहले ही इंस्ट्रक्शन है कि आपने क्रॉस चेक करना है नहीं करी, पर उसके हम एक्शन अभी नहीं ले रहे, लेकिन अगर इसके बाद में अगर ऐसी बात होगी कि जो उनको दायित्व दिया गया है दायित्व पूरा नहीं करेंगे, बिल्डिंग सुपरवाइजर हो या मीटर रीडर हो या कोई नोडल ऑफिसर हो, उस दायित्व के अगेंस्ट में एक्शन हो सकता है क्योंकि नोडल ऑफिसर के लिए कई जगह से इंस्पेक्शन हो सकते हैं।